के आपको अल्मोड़ा दिखाई दिया पूरा 70 किलोमीटर है। बहुत बड़ी सिटी है, जैसे कि आपने बताया ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हमारा, पता हुआ है दिखाई दे रहा होगा मेरे कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं विश ब्लॉग। तो सभी भाई सभी को गुड मॉर्निंग, और बाकी भाई भी तैयार हो गए। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम पताल घूमने से जा रहे हैं पिथौरागढ़। तो नीचे बाइक खड़ी है, तो बाइक लेते हैं फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रोड पे। तो निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। आपको फिर दिखा देते हैं होते हुए, तो रानीखेत से अल्मोड़ा से देखेंगे अभी। तो हम अल्मोड़ा तो गए नहीं कभी, देखते हैं वहाँ से किधर को जाना है, वो तो वहीं जाकर पता चलेगा। और अल्मोड़ा भी बहुत बड़ी सिटी है, हमने खाली सुना है गए नहीं है, और बाकी फोटोज वोटोज में देखा है, वीडियोज में देखा है। सुबह सुबह का नज़ारा है, और आठ से ऊपर टाइम हो चुका है, 8:30 होने वाले हैं, और मौसम ठंडा है फिलहाल। दिल्ली के अंदर तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पहाड़ों पर काफ़ी ठंडा है। तो मन तो यही कर रहा है कि यहीं रहे कुछ महीने, जब तक दिल्ली के अंदर गर्मी ख़त्म ना हो जाए। लेकिन वही है ना कि जॉब भी ठीक नहीं है, जा नहीं सकते। बाकी हम यहाँ 3-4 दिन से आए, तो 3-4 दिन में हम जितना कवर हो सकता है कवर कर रहे हैं। बाकी तो आज एक गांव में डोली जा रही है, तो वहाँ मूर्ति स्थापना है गोली देवता की। तो यहाँ से अभी डोली ले जाएंगे, तो हमने भी जाना था लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं है, पिथौरागढ़ जा रहे हैं। तो ये डोली तैयार हो रही है, बाकी ये सारे अपने भाई लोग हैं। और कैसे? तो ये सारे भाई अपने, तो अभी 2-3 दिन वहाँ मूर्ति स्थापना के लिए लगेगा। अभी यहाँ से जाएंगे कम से कम 4-5 किलोमीटर ट्रैक है, गाँव में ले जाएंगे। पहुँच गए, तो यहीं से ऊपर को जाते हैं अपने गांव के लिए। अब तो रोड चलेगी, लेकिन पहले क्या था कि पैदल ही जाना पड़ता था 3-3.5 किलोमीटर। तो जंगल से हर रास्ता अंदर ही अंदर को, तब तो रोड जा रही है, तो वो घंटा की जाती है। बाकी हमने भी आपको पहले से आने वाली वीडियो में भी आपको मार्केट दी जाएगी, जल्दी देखेंगे टाइम मिला तो जाएंगे हम अपना दादा जी से लेके आएंगे। तो इधर आ रहे हैं तो उनसे लेके जाएंगे, अभी हमें टाइम नहीं मिला। इसके भी मेरा होम टाउन ये हुआ स्टार्टिंग में, हाँ हमारे दादा की दुकान भी होगा। बाकी ये गुरु देवता जी है, हाथ जोड़ देते हैं। बाकी निकलते हैं आप रानी खेत से, रानी खेत यहाँ पे 8 किलोमीटर करीब है, और वहाँ से फिर अल्मोड़ा से आगे पिथौरा करके नहीं निकलेंगे, कोसी होते रास्ता निकलेगा, कोसी होते निकलते हैं, मिलते हैं आपको अभी जाने। तो एक बार आपको दोबारा दिखा देते हैं हम सोमनाथ ग्राउंड, सोमनाथ ग्राउंड आ चुके हैं। अभी आगे से रास्ता कटेगा अल्मोड़ा को जाएगा, हम पहुँच गए रानी खेत से आगे आते। तो ये जो नीचे को रास्ता जा रहा है, नीचे को दोराहाट जा रहा है, और ऊपर को जाएंगे तो अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा यहाँ से 40 किलोमीटर है, तो सामने बोर्ड लगा हुआ है अल्मोड़ा का, तो अल्मोड़ा 40 है, तो पानी यहाँ से 57 है, दोराहाट से नीचे को जा रहा है 29 किलोमीटर, तो हमें सीधा जाना है आगे। अल्मोड़ा को तो अल्मोड़ा फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अल्मोड़ा को हमने देखा नहीं है,
देखते हैं आगे गोल ग्राउंड आएगा, तो आगे आपको गोल ग्राउंड दिखा दें। आने वालों के अंदर आ गया, पहले तो शायद जा सकते थे कोई भी, और अब हमें तो ज़्यादा नॉलेज नहीं थी क्या है क्या नहीं, उसके बारे में भी पहले तो कोई भी पता चला, और सामने आए गोल ग्राउंड होते थे, तो गोल ग्राउंड है तो अंदर भी अंदर तो जाना मुश्किल ही है क्योंकि आर्मी वालों ने अपने अंडर में ले लिया। तो गोल ग्राउंड पहले लोग आते थे, पहले लोग घूमते थे, यहाँ भी नज़ारे देखते थे, अंदर जाके सारा खास सिटिंग का अच्छा करिए, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे गोल ग्राउंड। अल्मोड़ा वाली रोड का आओगे तब आपको ये दिखेगा, आप फैमिली ट्रिप आ रहे हो उधर आ सकते हैं, बाकी तो मे भी क्या पता जो अगर जो आर्मी में होंगे तो उन लोगों को शायद थोड़ा जो यहाँ से मछवाली 4 किलोमीटर रह गए, और ये सामने बुबू धाम मंदिर आ चुका है, तो ये भी काफ़ी साल पुराना मंदिर है और इसकी भी काफ़ी मान्यता है, तो ये बुबू धाम मंदिर है, तो ये दिखा सामने बुबू धाम मंदिर, और यहाँ सिद्धेश्वरी माता मंदिर है, बाकी ये मछाली का जाते हो अल्मोड़ा का जाते हो तो आप इधर पड़ता है, अल्मोड़ा पहुँच के आपको अल्मोड़ा दिखाएंगे सुबह। तो बागेश्वर यहाँ से 76 किलोमीटर है, किलोमीटर रह गया यहाँ से, और बाकी सामने आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये सारा अल्मोड़ा है, तो ये जितना सारा आपको सामने दिखाई दे रहा है अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा शहर है, तो ये इस पहाड़ी पे भी है, इसके बैक साइड में भी है ना, इसके बैक साइड में भी बसा हुआ है ना, इसके बैक साइड पे भी पूरा अल्मोड़ा बसा हुआ है, तो ये डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है यहाँ, तो सारा का सारा अल्मोड़ा दिख रहा है आपको। तो अभी अपना पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, रिजर्व पे लग चुका है, अभी रिजर्व पे लगा है, तो रिजर्व पे भी चल जाएगी, लेकिन सामने पेट्रोल पंप आ गया, तो पेट्रोल पंप पे भरवाते हैं, तो रिस्क तो लेना नहीं है क्योंकि पहाड़ों पे है तो चढ़ाई में तेल खाती गाड़ी, देखते हैं क्या एवरेज दिया वो बाद में निकालेंगे। टैंक फुल हो रहा है, देखते हैं कितना फुल होता है, 95.64 चल रहा है अल्मोड़ा में, अभी टैंक फुल हो रहा है, 1300 पे रुक गया, तो 1300 करवा दिया हमने, तेल 1300 को फुल टैंक हुआ है।